हेलो बच्चों, दिस इज़ द वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट टू। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, चार्ज उसके बिहेवियर के बारे में, कैसे वो इंटरेक्ट करता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उससे फर्दर, जैसे आपका कूलम्स लॉ है, क्वांटाइजेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो हमने चार्ज किया, बिहेवियर चार्ज के बारे में जो स्टडी किया, उसमें हमने ये देखा कि जो चार्ज है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमने बोला कि जो चार्ज है सेम टाइप का हो, अगर मान लिया सेम टाइप ऑफ चार्ज है, सेम टाइप ऑफ चार्ज मीन्स दो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो हमने वहाँ देखा कि वो आपस में रिपेल करते हैं। फिर हमने बोला जैसे अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज हैं, अपोजिट टाइप, जैसे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या हम बोल दें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चार्ज्ड है या नहीं है? तो उसके लिए बच्चे हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इसके साथ टच करते हैं, तो वहाँ पे जो उसका बेस होता है, उसके अंदर जो लीफ होती है बहुत ही माइक्रोन लेवल पे गोल्ड मेटल की, तो वो अगर मान लिया चार्ज्ड है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जब हम इससे टच करते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन आती है, तो वो जो लीफ है वो एक्सपेंड करती हैं, रिपेल करती हैं आपस में। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली है क्या? सिंपल एक डिवाइस है जो हमें सिर्फ ये बताता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसके अंदर जैसे चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, एडिटिव नेचर होता है, और इसमें हमने बोला था एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्वांटाइजेशन। तो उसको डील करते हैं कि है क्या, व्हाट इज क्वांटाइजेशन। तो एक्चुअल में क्वांटाइजेशन है क्या? हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसी चीज़ पे ये क्वांटाइजेशन आता है। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो हम ये बोलेंगे कि मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, दो हो गए, तीन चार, ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम बोलें कि 1/2 या हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके चला गया, 3/4 ट्रांसफ़र होके चला गया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो जब भी एक या दो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव करके जाएंगे, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो उसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। ये आपका क्वांटाइजेशन है। जैसे हम क्या बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपका टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन एनी एटम इज ऑलवेज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वी कैन से क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस हमने क्यों लिखा है? क्योंकि प्लस और माइनस हम ये बताते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे जहाँ से वो निकलेगा उसके ऊपर तो आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो एटम डिफिसिट होगा वहाँ पे पॉजिटिव मेंशन कर देंगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे आप नेगेटिव मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से क्यू क्यू इज़ टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन स्टैंड फॉर नंबर, और ये जो आपका नंबर है वो हमेशा इंटीजर्स में ही होगा। एन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, कैन नेवर बी
एन कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होगा, कभी भी 1/2, 3/4, 4/5 ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ई ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका -1.6 × 10⁻¹⁹ ऑफ कूलम। तो जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हम बोल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे और ई की ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 3 है 4 है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके बेस पे हम टोटल चार्ज किसी एटम के ऊपर निकाल सकते हैं। ओके इसके बाद जैसे मान लिया यही जो क्वांटाइजेशन था इसी के बेस पे, जैसे हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे साइंटिस्ट थे हमारे मिलिकन, मिलिकन ने अपना जो एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उस मिलिकन्स ने शो किया था कि जो चार्ज है उसका डिस्क्रीट नेचर होता है। जैसे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट शोड डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन ये जो फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे गेलमैन, इन्होंने इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसको हम बोलते हैं क्वैक्स, और ये क्वैक्स हैं क्या, इसमें फ्रैक्शनल चार्ज होता है। जैसे हम क्वैक्स का बोल रहे हैं तो क्वैक्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, हम बोल दें +-E/3, या हम बोल दें +-2E/3, ऐसे करके फ्रैक्शन में चार्ज होता है क्वैक्स के ऊपर। और इसी क्वैक्स के बेस पे जैसे हम हमने जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनको नोबल भी मिला था, नोबल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 2004 में क्वैक्स के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेकिन ये जो भी क्वैक्स है इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी वैलिड नहीं मानते हैं। तो जो आपका बेसिक जो चार्ज होता है वो अभी हम इलेक्ट्रॉन को ही बेस मान के चलते हैं, सबसे जो स्मॉल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके बच्चों, इसके बाद है आपका जैसे हम ये जो चार्ज है ये आपस में इंट्रैक्ट करता है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करें, वो कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे कूलम, कूलम ने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जो दी, तो उसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या, कूलम्स लॉ यूज करते हैं हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जितना भी आपका होता है वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम कूलम्स लॉ को यूज करते हैं। तो कूलम्स लॉ है क्या, कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon R square। Q1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज, सेकंड पे चार्ज, R है इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ से आया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक कॉन्स्टेंट आता है एफ इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं 1/4 π ε₀ Q1 Q2 upon R square। ये जो 1/4 π ε₀ है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1/4 π ε₀ जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹। अच्छा इसकी यूनिट्स, जैसे हम बोल देते हैं कि ये जो यूनिट्स में जाएगा
तो यहाँ से हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स के लिए जैसे हम यहाँ से अगर इसी फॉर्मूले से इसको डिराइव करें तो हम क्या बोल सकते हैं, देखें एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम एक साइड रख लेंगे, इस साइड जो बाकी है उसको हम अपोजिट में ले जाएंगे, यानी कि एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन Q1 Q2। तो एफ न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम स्क्वेयर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, और इसकी जो यूनिट आई वो क्या आई, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास यूनिट्स आ जाती हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रिगार्डिंग। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ से एक टर्म है जैसे ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है बच्चे 8.85 × 10^12। अभी वो यूनिट की बात करें, जैसे हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करें तो ये यहाँ पे नीचे है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर, कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अच्छा, इसी में एक चीज़, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं बहुत बार कि डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी है क्या, देखिए बच्चे एक बार, परमिटिविटी की डायमेंशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम यहाँ से। इसमें से हम एप्सिलॉन नॉट है इसको एक साइड ले लेंगे, बाकी को एक साइड ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर चला गया, ये जो फोर्स है ये आपका वापस नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये जो फोर्स है ये नीचे चला गया एफ, और आपका आया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वेयर। अभी यहाँ पे जब वैल्यू रखें तो डायमेंशन जो आएंगी एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई, 4 पाई तो जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ऊपर चार्ज है, चार्ज के लिए हमने किया था तो क्या आया था 80, दूसरे के लिए सेम 80 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया, एफ एफ है तो एफ के रिगार्डिंग में जब हम लिखेंगे तो एफ की डायमेंशन क्या होती है, MLt-2, MLt-2, और ये जो आर है इसके लिए हम क्या बोल देंगे L। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, जैसे M है तो M आया -1, M आया -1, फिर हमारा जो L है L -3, फिर हमारा जो T है T आया -2, और ये T आया 4, और A 2। तो ये हमारी डायमेंशन आ जाती हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए हमारी डायमेंशन आ जाती हैं ये वाली। इसके अलावा जैसे हम बात करें एप्सिलॉन नॉट, अगर मान लिया इसी कूलम्स लॉ में, ये जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला बच्चे तब है जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपके फ्री स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम उनको किसी अदर मीडियम में प्लेस करें, अगर मान लिया हम उनको किसी अदर मीडियम में प्लेस करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की बजाय हमारे पास फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे मीडियम के साथ, दूसरे मीडियम की परमिटिविटी के साथ, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं एक यहाँ से एक टर्म आती है बच्चे, रिलेटिव परमिटिविटी, जब हम दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी, तो जब दो मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी एक आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, डिनोटेड बाई कैपिटल ये के। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं बच्चे 10 एप्सिलॉन नॉट आर, और के इज इक्वल टू एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इसके लिए जैसे एक एमसीक्यू जो आपके बनते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो वहां से इसकी के की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो बच्चे के इज इक्वल टू 1 किसके लिए? वैक्यूम के लिए, या हम बोलते हैं एयर के लिए। और के इज इक्वल टू इन्फिनिटी किसके लिए? किसी भी मेटल, या हम बोल सकते हैं कंडक्टर, कंडक्टर के लिए। जो के है उसकी वैल्यू क्या है आपकी? इन्फिनिटी। इसके आगे हम डील करते हैं, हमारे पास जैसे टॉपिक है तो इसमें कूलम्स लॉ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक आता है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म बेसिकली है क्या बच्चे, कि जो भी हमने, जो भी आपका ये कोलंबियन फोर्स है, ये कोलंबियन फोर्स कैसे हम उसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं कि किस पार्टिकल पे किस तरीके से ये अप्लाई हो रखा है, तो उसको डायरेक्शन वाइज अगर हम मेंशन करें तो देखें एक बार, हम चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे ए, जिसका जो अमाउंट है वो है Q1। दूसरा चार्ज पार्टिकल हम बोल दें यहाँ पे B, जिसका जो टोटल चार्ज है वो है Q2। अब ये जो प्लेस्ड हैं, तो Q1 हमने बोल दिया, ये जो आपका कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ से हम बोल दें कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। B कहाँ प्रेजेंट है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम बोल देंगे R2। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा, मान लिया Q1 के ऊपर फोर्स लगा Q2 की वजह से, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उनकी डायरेक्शन हम बोल देंगे Q1 Q2 कैसे कैसे वो अप्लाई हुए। तो हमने बोल दिया 1 पे 2 की वजह से जो लगा, 1 पे 2 की वजह से जो लगा, तो उसको हमने डिनोट कर दिया F12। और यहाँ बोल देंगे 2 पे 1 की वजह से जो लगा, तो वो आया आपका F21। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चाहिए कूलम्स लॉ को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें चाहिए दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है AB। अभी है क्या, अगर हम मान लिया F12 की बात कर रहे हैं तो जो वैल्यू निकलेगी वो AB, या हम बोल देंगे फिर यहाँ पे भी A की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ से इसको डील करें तो हमारे पास एक्चुअल में आता क्या है, जैसे हम निकाल दें AB वेक्टर। तो AB वेक्टर है क्या, AB वेक्टर है 1 से 2, तो हम बोल देंगे R12 वेक्टर। और R12 वेक्टर अगर हम निकालेंगे, मान लिया इसको मैं बोल दूं R12 वेक्टर, तो बच्चे ये आएगा क्या, जैसे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करें तो R12 ऐसे आएगा। तो हम बोल देंगे कि सेम, अगर मान लिया सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो अपोजिट में आता है, अपोजिट पोलैरिटी के साथ, वो क्या होता है? रिजल्टेंट। तो हम क्या लिखते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम R12 जब निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली अगर हम BA निकालेंगे तो वो आ जाएगा R21, और ये आ जाएगा बच्चे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो AB वेक्टर और BA वेक्टर हम ट्रायंगल लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसके अलावा अब हम जो फोर्स है, कूलम फोर्स है, अगर हम उसको डील करें तो हम बोलते हैं पहले F12 कितना अप्लाई हुआ, वन पे टू की वजह से जो अप्लाई हुआ, तो हम बोल देंगे ये है क्या, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो है वो आपका स्केलर होता है, और यहाँ पे हम बोल देंगे R21 का स्क्वेयर। वेक्टर फॉर्म है तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू होती है R21। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे आपके कूलम्स लॉ में, जब ये वैल्यू रखी जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे था R21 का स्क्वेयर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो स्क्वेयर ये और एक पावर ये, यहाँ पे आ जाएगा ये क्यूब। तो F12 बिकम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का तो क्यूब हो गया, और यहाँ आ गया R21 वेक्टर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम और फर्दर डील करें तो ये जो R21 है हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, जो हमने ये यहाँ से निकाली हुई है ये वाली R21 की वैल्यू, R1 माइनस R2। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं F21 यानी कि सेकेंड पार्टिकल पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ, तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, वेक्टर चेंज हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास F12 और F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि चार्जेस सेम हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, F12 वेक्टर इज ऑलवेज F21 वेक्टर बट विद माइनस साइन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को, यानी कि दोनों फोर्स हैं लेकिन डायरेक्शन, दोनों फोर्स सेम हैं लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये चीज़ जब हम डील करें तो ये क्या होता है, ये किस चीज़ को वेरीफाई करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन न्यूटन का एक और लॉ होता है जो, जैसे हमने बोला था न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, तो ये जो आपका न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R2। देखो ये आपका न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, और हमारा जो आया है कूलम लॉ वो है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2। तो ये आपका ग्रेविटेशनल और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो दोनों बिल्कुल एनालॉगस हैं, सिमिलर हैं। आपका ग्रेविटेशनल लॉ मास पे बेस्ड होता है, आपका जो कूलम्स लॉ है वो चार्ज पे बेस्ड है, तो यहाँ पे Q1 Q2 कांस्टेंट डिफरेंट हैं, तो दोनों फोर्स बहुत सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है अप्रॉक्स 10^36 टाइम्स मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हाँ एक बात और ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि दोनों जो ग्रेविटेशनल है और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दोनों जो हैं वो आपके इनवर्स स्क्वेयर लॉ है, क्योंकि दोनों में क्या आता है, एफ एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वेयर लॉ को। ओके, तो ये आपका हुआ आपका टोटल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट। बाकी जो है आपका जो चैप्टर रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो, थैंक यू।